हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का दिन हमने पूरा दिन स्टूडियो पर बिताया, जैसे कि कल रात को हम यहीं रुके थे और कल हम गए थे, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि कनाडा रेजिडेंसी गए थे हम, और वो भी मेरे आर्ट एग्जीबिशन के लिए। तो अभी जैसे कि आज पूरा दिन हमने स्टूडियो पे ही किया है रेस्ट। तो रेस्ट में ये भी हो सकता है कि मतलब कि प्लानिंग की है, जैसे कि पॉडकास्ट से रिलेटेड डिस्कशन और सारी चीज़ें, थोड़ा रेस्ट में भी और थोड़ा वैसे सुकून से। एक होता है ना कि एक कोना पकड़ लो और उसमें शांत होकर दिमाग लगाओ कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें आज सोची है। तो बहुत टाइम के बाद आज ये दिन था। तो वैसे कि कल भी मेरी वर्कशॉप है, तो कल भी मुझे जाना है, वो मैं बताऊंगा आपको वो कहाँ जाना है। वो ये एग्जीबिशन टाइप से नहीं है, वो अलग लेवल में है, वो अलग चीज़ है। अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, शाम हो चुकी है, शाम भी नहीं मतलब रात ही हो चुकी है, रात ऑलमोस्ट रात ही हो गई है और पैकिंग हो चुकी है सारी। तो गाइज अभी हम आए मार्केट अपने स्टूडियो के पास में ही, तो यहाँ से हमें दो तीन प्रिंट आउट लेने हैं कुछ अर्जेंट। तो गाइज ये है हमारी इवनिंग टी। वैसे तो रात हो चुकी है, रात में ज़्यादा रात नहीं, अब चाय पी के बस घर ही जाना है। एक्चुअली थोड़ी सी नींद ली थी ना, तो हेडेक सा हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि बस चाय की ज़रूरत है। वहाँ पर चाय बनाई तो दूध डाला, फट गया, और सुबह ही मैंने पैकेट मंगाया था। कई बार ऐसा होता है कि जेप्टो वाले है ना, ऐसे ही सेम डेट वाला उठा कर दे जाते हैं और फिर वो चाय फट गई। फिर मन नहीं हुआ कि अब जाके पैकेट लाओ, फिर बनाओ, ये करो। तो मैंने कहा चलो भाई अब बाहर ही पी लेंगे चाय रास्ते में, तो चलो पी के चलते हैं सीधा घर, मम्मी के दर्शन करते हैं। और हाँ बता दूँ आप लोगों को, मम्मी गई नहीं है, उनका फिर पोस्टपोन हो गया था, तो 27 का हो गया था, वो कल की है उनकी। और कल वो बस फाइनल अगर नहीं हुआ ना, एक्चुअली वो रुका इसलिए था कि केदारनाथ में है ना, वो कुछ अथॉरिटी वगैरह लेनी पड़ती है, वहाँ पे बसेस सारी अंदर अलाउ नहीं होती, तो अथॉरिटी यहाँ के किससे लेनी पड़ती है, हाँ मैं भूल गया था, DM से अथॉरिटी वगैरह लेनी थी, तो साइन वाइन किए हुए नहीं थे, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी फाइल तब तक वो इसीलिए पोस्टपोन हो रहा था बार बार। तो अभी उनको 27 का फाइनल बता दिया था, अगर कल नहीं गए तो डेफिनेटली है, अब इनका प्लान मैं कैंसिल करवा दूंगा। कल चले जाएंगे, कल का कंफर्म हो गया है। कंफर्म है, पक्का है, चलो। तो गाइस घर आकर डिनर हो चुका है, मैं अपनी एडिटिंग कर रहा था और मम्मी आई है ऊपर, तो मिलवाता हूँ आपको मम्मी से। मम्मी अब तक तो एक हफ्ते की टूर पूरी कर लेती है ना, दो दिन और बचे थे, दो दिन और बचते, टूर पूरा होने वाला होता। और ये हमारी किट्टू है, पूंछ हिला रही है, इसको पता है कैमरा ऑन हो चुका है। और मम्मी अभी तक डमरू फाइनल नहीं हुआ, किधर घूम रहा है? अभी फाइनल नहीं, बस बैठेंगे तो दो घंटा की देरी है, जब पता तो कितनी खुश हो। दो घंटे की देरी है, जब पता लगेगा, दो घंटे बाद पता चल जाएगा, फोन आ जाएगा। हाँ सच में कंफर्म हो जाएगा कल कितने बजे जा रही है बस। फिर ठीक है, है किच्चू खो हो गया, परमिशन तो मिल गई है। ये दांत देखो इसके, डरावनी सी लगती है, देखना दांत कैसे निकालती है। ओह तेरी वाह, पलटी खाई। इसके भी बाल बहुत जड़ रहे हैं गाइस, बाल है ना देखो ढेर, दिखा देता हूँ आपको, उधर देखो बिल्कुल वो पीछे कोने में बाल बहुत जड़ रहे हैं। ये खुश हो जाती है, इसको पता है कैमरा ऑन हो गया है, पूछ हिलाना शुरू कर देती है। किट्टू को सब जानते, कितने लोग जानते हैं किट्टू को, बचपन से पाला है इसको। हाँ बचपन से पाला है, अभी सुधर गई है, पहले से इसको मैनेज किया है इसकी चीज़ों को, तो अभी सुधर गई है, अभी टचवुड किसी को बाइट नहीं किया इतने दिनों में अभी तक, ऐसे ही ट्रीट कर। इसकी तबीयत खराब थी, हाँ तो बीमार होते हैं इंसान ही इरिटेट रहते हैं, वो तो जानवर है, हम चिड़चिड़ी हो रही थी, बता तो देते ना यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, बता भी नहीं पाते, चिड़चिड़ी हो रही थी। किटू खुश, उधर जाओ, उधर किटू, उधर 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 जाओ, चूहा पकड़ो, वो चूहा ढूंढ रही है फिलहाल। सृष्टि का है, सृष्टि आई, देखो आई, सृष्टि पड़ गई है थोड़ी थोड़ी देर में, दादी दादी दादी, अब दो दिन से ना आए तो सुनो सुनो सुनो। अभी मैं आई थी ना, तो मैं मम्मी से पूछने वाली थी, दादा आके पूछती ना सृष्टि क्या कर रही है, मैं नीचे पूछने वाली थी, फिर मेरे को ध्यान आया वो तो है ही नहीं। मम्मी को भी अब आदत हो गई ना, यही रहते हैं अब तो, आदत तो अब इसीलिए लगता है। अब आप लोगों का कंफर्म हो जाता तो हम यहीं छोड़ जाते, हाँ। क्या जरूरत थी गाइस हमें नानी के घर छोड़ के आने की, यहीं पे छोड़ देते क्योंकि हमें रात को फिर हम वापस आ जाते, तो वही था ना कि इनका ही कंफर्म नहीं हो रहा था, अगर ये चले जाते तो सिस्टी को हम कहाँ छोड़ के जाते बाई चांस, तो घर पे तो कोई भी नहीं होता,
तो यही इशू था, इस वजह से भी हमने नानी के घर पे उसको ड्रॉप किया था। और पैकिंग वगैरह होकर इनका सब कुछ पैक एज इट इज रखा हुआ है, और बस एक फ़ोन आना है और चलना है। और अगर कल अभी ये 2 घंटे बाद इनका फाइनल नहीं हुआ तो मैंने कह दिया है कि आप फिर है ना कपड़े जाने जाएंगे नहीं फिर, हाँ फिर नहीं जाना है, बस समझ लो कि बाबा ने अभी बुलावा दिया ही नहीं है आपको, ये समझ लो बस। अब तो गोलकुंड में भी दिखा रहे हैं आज, भीड़ नहीं है, नहीं नहीं वो कहते हैं कि लंबी लाइन लगी रहती है। स्कूल खुलने वाले हैं ना अब, हाँ। 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे। केदारनाथ में भीड़ नहीं है इतनी, हाँ भी कुछ भी है, हाँ तो ये है ना जब ये खुलते हैं ना पट मई में, मई जून जब बहुत ज्यादा रश रहता है और गर्मी भी ज्यादा रहती है तो सब ठंडी की तरफ भागते हैं। किट्टू के सारे बाल चिपक जाएंगे। आए हाय देखना थोड़ी देर में बाल बाल चिपका लिए, ये क्या लग गया, काले काले बाल बाल। आए हाय वो तो आपने कड़ी गिराई होगी, कड़ी तो नहीं है ये ये। देखो बाल बाल चिपक गए थोड़ी देर में ही। आए हाय टची किया है झाड़ दो झड़ेंगे भी। तो गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और नादो के पूजा होके ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और अभी हो रही है चलने की तैयारी। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मेरी वर्कशॉप है आर्ट की एक, तो मुझे वहाँ जाना है और वो है दूर, तो हमें मतलब 1-1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा तो मान के चलो क्योंकि और वैसे भी मैप के थ्रू या पूछते पूछते जाएंगे क्योंकि वो लोकेशन हरियाणा में ही है, तो हम जा रहे हैं झज्जर साइड, तो देखते हैं अभी। वैसे तो सारी प्लानिंग सब कुछ हो चुका है और बस कपड़ों का ही डिसाइड हो रहा है क्योंकि एंड मोमेंट पे चीज़ें डिसाइड होती है कि वहाँ पर क्या पहन के जाना है क्या करना है, क्योंकि हम कल रात को यहाँ पर आए थे और उसके बाद फिर डिसाइड नहीं हुआ, बस खाना वाना खा के अपना एडिटिंग करने में लग गया था। तो बस चलो अभी फिलहाल ब्लॉग का एंड करता हूँ, आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। आई नो कि ये ब्लॉग छोटा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ा इस ब्लॉग में एडजस्ट कर लो। और मुझे वहाँ से आने के बाद फिर हम सिस्टी को भी लेने के लिए जाएंगे और टाइम मिला तो लैपटॉप लेने भी जाएंगे और इनका जाना ना कन्फर्म हो चुका है, तो शाम को इनकी 7 बजे की बस भी है, तो सारा काम आज भागम भाग में होने वाला है। तो चलो वो आप चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी, तो बाय, अभी टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय। किट्टू बाय बोल दे, बाय बाय किट्टू, बाय बोल दे, बाय।